एमएस वर्ड में जो बनाए गए हैं नाम से स्पष्ट है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट मेन्यू, तो इंसर्ट यानी लाना, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत कोई भी डेटा हम यदि इम्पोर्ट करते हैं बाहरी फाइल से तो वो आएगा इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कवरिंग पेज की यदि हम बात करें तो कवर पेज में बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल में उसको कहीं ना कहीं इंसर्ट ही कर रहे हैं, तो प्री डिफाइंड कवरिंग पेज दे रखे हैं, इनको हम डायरेक्टली इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट करना ही कहलाया है। फिर बाद में हम एडिटिंग करके उसको अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेज ब्लैंक पेज तो अपने देख लिया था, पेज ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसके बाद पेज ब्रेक से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। टेबल डिजाइनिंग हम टेबल में देख चुके थे और यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो सही तरीका हम यहीं से होता है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन हम कल इसको होम के अंतर्गत भी देख चुके थे। होम में किस ऑप्शन में देखा था हमने? प्रैक्टिकल सही से किया था हमने, जब कॉलम में गए थे कंटेंट का बॉर्डर जो देखा था उसके अंतर्गत हमने टेबल को भी देखा था, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जब टेबल को आप इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डिजाइनिंग लेआउट है वो टेबल का आ जाएगा। तो एमएस वर्ड जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग को जनरेट करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं इंसर्ट के अंतर्गत पिक्चर। तो पिक्चर हमें या किसी भी ग्राफिक फाइल की आवश्यकता हो तो हम उसे इंसर्ट डॉक्यूमेंट फाइल में कर सकते हैं। इसे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे पिक्चर विंडो ओपन होगी और जहाँ पर भी आपका पिक्चर है उस पिक्चर को आप इंसर्ट कर लीजिए। माई पिक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई पिक्चर हो, ऐसे तो पिक्चर इस सिस्टम में बहुत सारी हैं। चलिए मेहंदी वाली पिक्चर को ले लेते हैं, इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब जब पिक्चर इंसर्ट होता है तो पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग एमएस वर्ड में होती है और यूज़र को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ता है जब हमें सेटिंग नहीं आती हो। मैं यहाँ पर इस पेज को एक बार डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कवरिंग पेज इंसर्ट किया हुआ था। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, फिर से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं और शायद हमारे पास डेस्कटॉप पर एक दूसरी पिक्चर हो सकती है। डेस्कटॉप से हम एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। यही पिक्चर में इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर हमने इंसर्ट किया, हालांकि इसका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है। एक और पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं, मोदी जी का पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। ये पिक्चर ठीक है, अच्छा लग रहा है ना ये पिक्चर। अब मोदी जी का पिक्चर है तो अच्छा तो लगेगा ही। तो अब देख पा रहे हैं कि जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, अभी अनसेलेक्ट है तो होम मेन्यू एक्टिवेट है, लेकिन जैसे पिक्चर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं पिक्चर से रिलेटेड। साथ ही साथ डबल क्लिक करने पर इसका मेन्यू पिक्चर फॉर्मेटिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके कुछ स्टाइल्स हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एडजस्टमेंट को लेकर के चलते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं इसमें ब्राइटनेस वगैरह हमें सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हम इसी मोदी जी का जो पिक्चर है इसको हम लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस, ये अलग अलग ब्राइटनेस हैं, जितना भी आप इसका सेट करना चाहें पिक्चर का वो ब्राइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हो। यदि लो है तो हाई कर सकते हैं, हाई है ये नॉर्मल ही है अभी, है ना। पिक्चर को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस में क्या होगा कि पिक्चर यदि ज़्यादा के बी का आ रहा है और लोड होने में कहीं दिक्कत दे रहा है तो उसको कंप्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ब्राइटनेस के नीचे कॉन्ट्रास्ट भी दे रखा है, तो जो भी कॉन्ट्रास्ट आप उसका सेट करना चाहते हैं, है ना, फ्री आपको दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आप कर्सर ले जाएंगे ब्राइट कॉन्ट्रास्ट सेट हो जाएगा। चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर से यदि इस पिक्चर की जगह दूसरा पिक्चर हमें लेना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे ये चेंज हो जाएगा, है ना। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि ये ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है, पिक्सल फट रहे हैं इसके, तो हम कंट्रोल जेड से वापस उसी पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, है ना। रीकलर में ये सारे कलर दिए हैं, यानी एमएस वर्ड एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन नहीं है, ना ही फोटो डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, लेकिन इसने कुछ सेटिंग्स से जेपीजी और जीआईएफ आदि फाइलों से संबंध दिया है। हम इसको फाइल बोलेंगे
क्योंकि ऐसे तो हम पिक्चर बोलते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की और भी कहीं हो, और कहीं डेटा हो, तो वो कहीं ना कहीं एक कलेक्शन हो जाता है और एक फाइल फॉर्मेट को पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट द्वारा बनाई गई फाइल, वर्ड के द्वारा बनाई गई फाइल के एक्सटेंशन होता है DOC। अपने फाइल के नाम पड़े थे, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम, है ना। तो यदि हम अच्छे प्रोफेशनल कंप्यूटर यूज़र हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम पिक्चर बोल सकते हैं, लेकिन पिक्चर की अपेक्षा हम उसको अभी हम बोलेंगे फाइल। जैसे इसी प्रकार गाने हैं, MP3 गाने हैं, तो हम MP3 फाइल बोलेंगे उसको, कि MP3 की फाइल है। वो एक अच्छा शब्द का कहीं ना कहीं रूटीन होता है, उससे एक अच्छे यूजर की पहचान होती है, बस इसलिए। बाकी उसका कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आप उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस फाइल के ऊपर जो भी हमें फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं, यदि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और 2007 और उसके बाद के वर्जनों को थोड़ा एडवांस ग्राफिक के लिए किया गया है। 2003 के अंतर्गत इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे। इसका कलर ब्रेक, इसमें तीन ही ऑप्शन थे, ग्रे स्केल था, ब्लैक एंड व्हाइट था, और जो कलर आपका है वही है। तो ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअली अलग होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा ब्लैक और वाइट होता है। अभी जो हमने यहाँ पे ऑप्शन किया कलर, ये ग्रे स्केल है, इस प्रकार इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रे स्केल, ठीक है। इसमें भी शायद हो सकता है कि ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना, क्योंकि पूरा ब्लैक और वाइट, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट बोलेंगे। लेकिन ये ऑप्शन जो है, ये हमारा ग्रे स्केल है ना, ये भी ग्रे स्केल है। ये तीन ऑप्शन, दो ही तीन ऑप्शन थे 2003 में, लेकिन इसमें कलर, लाइट वगैरह ये सारी चीज़ों को भी जोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पे मोर कलर कॉम्बिनेशन भी जोड़ा गया, ताकि यूज़र जो चाहे वो कलर उस इमेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकें। यानी इस प्रकार से हम उस पिक्चर को एडवांस बना सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, पर्टिकुलर कोई कलर हमें चेंज करना है तो हम उस कलर को क्लिक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंस, ये सेट ट्रांसपेरेंस। इसका कलर हमें सेलेक्ट करना होगा पहले, मोर कलर में जा करके हम कोई भी कलर ले लेते हैं, और फिर हम सेट ट्रांसपेरेंस में जा करके क्लिक कर दें। ये देख, उड़ गया। हमने मोदी जी का नहीं लिया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और है ना, इसलिए हमने इस फोटो में लिया, हमने इस फोटो को ले लिया। आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ के चले गए, क्योंकि कलर फिर फोटो खराब हो जाता, ठीक है ना, इसलिए हमने ये वाला फोटो। हालांकि ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, है ना, प्रैक्टिकल के लिए हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर हमने कर दिया, वापस वही सेट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्री डिजाइनिंग स्टाइल दिया है 2007 के अंतर्गत, इनको हाईलाइट करके दिया गया फ्रेम, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आप फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसको आप सॉफ्ट भी कर सकते हैं रेक्टेंगल में, ये सारी डिजाइनिंग्स हैं। इसी प्रकार यदि जैसे मोदी जी का फोटो हमें फ्रेम में करना है, ये फ्रेम, ठीक है। यदि फ्रेम का कलर भी चेंज करना है, तो आप ये पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जो भी फ्रेम कलर चाहते हैं वो फ्रेम कलर सेट कर सकते हैं, ठीक। और भी स्टाइल डिजाइनिंग आपको मिल जाएगा, हल्का सा इसको टेढ़ा करना, आप जब काम कर रहे हो वर्ड के अंतर्गत और पिक्चर पे आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल यदि कर रहे हैं, तो इस प्रकार का डेटा बनाएं कि वो रोचक हो। जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, इतने मात्र से नहीं हुई, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के बाद बनाएंगे, तो जब आपका प्रैक्टिकल हो तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्रिएट करें, उससे ज़्यादा सीखेंगे, ओनली क्लिक करने मात्र से नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप डेटा कंटेंट लाना भी सीखें कि हम बनाएंगे, उस प्रकार का डिज़ाइनिंग लेआउट लें, और फिर ऐसा हो तो उसको गूगल ड्राइव पर शेयर कर दीजिए, ड्राइव पर रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप कोई डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट बनाना पड़ा तो आप रेडीमेड उसको उठाएंगे और वहाँ पर डेटा एडिट करके और उसको प्रिंट निकाल लेंगे, क्योंकि अभी समय अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रोजेक्ट असाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है तब तो हमें तत्काल जरूरत पड़ती है, तो समय नहीं रहता। यदि हम पहले से कुछ प्रकार इस प्रकार के असाइनमेंट वगैरह इंटरनेट से कंटेंट जो रहता है वो इंटरनेट से सर्च करके और अलग अलग डिजाइनिंग लेआउट में सेट करके हम रखें, तो हमें कभी भी वो फीचर काम आ सकता है। और वर्तमान समय में तो बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, गूगल ड्राइव का हम यूज़ करें, 25 GB तक का वो डेटा, 25 GB तक का हाँ डेटा उसमें हम
स्टोर कर सकते हैं। तो इतना डेटा तो हमारे पास, मुझे लगता है नहीं है कि आप लोग इतना डेटा यूज कहीं ना कहीं करते होंगे, लेकिन यदि करते हैं और आपको ज़रूरत है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें बना करके रखें। यानी कहने का आशा ये है कि प्रैक्टिकल करके रखें, ठीक है। और ये जो डेटा आपको मैं आज बता रहा हूँ, इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया, इस समय रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइव वीडियो है इसका, तो आपको ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा जब भी आप कहीं ज़रूरत हो। इसीलिए मैं लैपटॉप लेके आया और सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया और डायरेक्ट हम लाइव गया। चलिए आगे हम देखते हैं आगे के ऑप्शंस। तो ये सारे डिजाइनिंग स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग स्टाइल जोड़ दिए। 2003 के अंदर इतना ऑप्शंस नहीं था, इतने फ्रेम्स नहीं थे डिजाइनिंग से। ट्रांसपेरेंसी और शेडो जैसी ऑप्शंस भी इसमें हैं, यानी डॉक वर्ड ना रह करके, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट फाइल ना रह करके ग्राफिकल फाइल में उसको कन्वर्ट किया गया। इसके अंतर इसके अलावा यहाँ पे जितने शेप्स दे रखे हैं, इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं हमें इतने में नहीं जच रहा कोई सा भी, तो यहाँ पर पिक्चर शेप्स हैं, इन शेप्स में आप जाएं और जो भी शेप आप लेना चाहेंगे उस शेप में आप अपनी पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कलर्स भी हैं उसका, ये तो पिक्चर का बॉर्डर कलर हमने अभी देख लिया था, है ना, वो सेट हो जाएगा। इसमें भी बॉर्डर कलर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट भी यहाँ पर हैं, ये सारे इफेक्ट हैं, किस स्टाइल में आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए, इफेक्टिव आप बना सकते हैं। यानी काफ़ी कुछ अच्छा इसमें दिया गया है, जो भी स्टाइल लेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन में आप पिक्चर को लेफ्ट राइट सेंटर इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं। 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिए गए हैं डॉक्यूमेंट के, जैसे ये अलाइनमेंट है, सबसे पहले हम फर्स्ट से लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा अलाइनमेंट हो गया लेफ्ट, अलाइनमेंट हमारा है, लेकिन लेफ्ट में भी कहाँ है, टॉप का लेफ्ट, क्योंकि एक टेक्स्ट के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत या यूं कहते कॉलम के अंतर्गत 9 प्रकार के अलाइनमेंट यूज करते हैं। ये एक बॉक्स है, डॉक्यूमेंट है, तो इसका टॉप का लेफ्ट, टॉप का मिडिल, है ना, जिसे हम सेंटर कहेंगे, और टॉप का राइट, फिर ये हो जाएगा मिडिल। ऐसे में अलाइनमेंट की बात करें, खड़े में बात करें तो ये आएगा टॉप, मिडिल, बॉटम। इधर से बात करें तो ये हो जाएगा लेफ्ट, सेंटर, मिडिल नहीं बोलेगा अब, सेंटर और राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का राइट, है ना, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। तो अलाइनमेंट 9 प्रकार से असाइन किए जाते हैं और वो हमें मालूम याद भी होना चाहिए। हम जब एक्सेल पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी हमें अलाइनमेंट ज़रूरत पड़ेगी बार बार, जब कोई फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर हम करते हैं। तो प्री डिफाइन अलाइनमेंट है, इसके अलावा मोर अलाइनमेंट लेआउट से भी यहाँ पर दे रखे हैं। और इसके अंतर्गत अलाइनमेंट के अंतर्गत यहाँ पर दे रखा है पिक्चर का वार्पिंग। वार्पिंग एक पिक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जबकि हम डेटा के साथ में पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं, और जब डेटा के साथ में हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस डेटा के साथ में उसको जमाने में समस्या आती है। उदाहरण के तौर पर हम इसमें मोदी जी का विकिपीडिया या डेटा उसका जोड़ना चाहते हैं। चलो हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ से विकिपीडिया से हम उनका पूरा डेटा बायोग्राफी कॉपी कर लेते हैं। डेटा कॉपी करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर जो डेटा आया है ये कुछ तो भी आ रहा है, यहाँ ऊपर फोटो आ गया है, बीच में भी फोटो आ गया है ना, हमें माना है कि इस फोटो को हटाना है, डेटा को हटाना है, ठीक है। इस डेटा को भी हम हटा देते हैं, इस डेटा को भी हम हटा देते हैं क्योंकि नेट से कॉपी किया है हमने, ये व्यवस्थित नहीं आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये फ़ोटो कहीं पर भी हम रखें तो ये एडजस्ट हो जाए। अभी ये नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर उठा के लाना चाह रहे नहीं आ रहा, जब नीचे आए तो डेटा ऊपर चला गया, तो ये परेशानी क्रिएट करता है। तो इस प्रकार की समस्या का हल है वार्पिंग। आप पिक्चर का वार्पिंग सेट कर देंगे तो पिक्चर को कहीं भी असाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए तो हम वार्पिंग पॉइंट को देखते हैं। उसके लिए हम फिर से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर पे राइट क्लिक करने पर भी वार्पिंग मिल जाएगा, ये टेक्स्ट वार्पिंग। या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो जो अभी ऑप्शन हमने देखा था यहाँ पर पोजिशन के अंतर्गत मोर लेआउट, इसके अंतर्गत वही मिलेगा और बाहर भी यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग ये मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला है इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन विद टेक्स्ट यानी जो लाइन आप टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे डाटा टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग के दौरान जैसे जैसे लाइन टाइपिंग की बढ़ेगी उसके साथ में इमेज भी बढ़ता जाएगा क्योंकि वो उस लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइन के साथ में नहीं चले, तो हम क्या करते हैं वार्पिंग में जाते हैं और यहाँ पर या तो हम इसको कर सकते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या हुआ कि जो जगह आजू बाजू की बचरी वो नहीं बढ़ बचेगी। ये देखिए जहाँ पिक्चर आप रखेंगे तो पिक्चर अपनी जगह लेकर के बाकी के जगह को छोड़ देगा और डेटा कंटेंट को उसी लाइन के अनुसार मैनेज करेगा। अभी आप लोगों को जो नोट्स हम देने दिए हैं, अभी जैसे डार्क विंडोज़ के नोट्स मिल चुके हैं और आगे हम जो नोट्स देंगे, तो अभी तक हम जो नोट्स यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे पेज मेकर, DTP वर्क पर हम काम कर रहे थे और उसके द्वारा डिज़ाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इस सेशन से हमने पेज मेकर के वो जो नेट नोट्स कंटेंट्स थे उनको हटाया और वर्ड में लेके आए, क्योंकि पेज मेकर के अंतर्गत जब हम काम करें ऑटो एडजस्ट पे काम नहीं चलता, उसमें चलता है स्टोरी। प्रत्येक डेटा की एक स्टोरी बनाते हैं, उसके आधार पर टाइप करते हैं, तो उसमें ये है कि कोई नया डेटा कंटेंट जोड़ा तो ऑटो एडजस्ट नहीं करता क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होती है। लेकिन वर्ड के अंतर्गत स्टोरी नहीं होती, पूरा टेक्स्ट डेटा एक ही होता है। तो यहाँ पर कोई भी कंटेंट जोड़ने पर, जैसे आपने एक लाइन यहाँ पर टाइप किया या कोई डेटा ऐड किया, तो आप देखेंगे कि आगे का डेटा पूरा एडजस्ट हो जाएगा, यानी वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लेकिन DTP के अंतर्गत हमें सेट करना पड़ता था, तो हम उस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके वर्ड में आए ताकि हमें इस प्रकार की समस्या नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जहाँ पर आप डेटा को रखेंगे उस लाइन को, उस कंटेंट को ऑटो एडजस्ट कर देगा, उस लाइन को कवर कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने रख रखा तो ये इस तरह का डेटा डाला, इसके बाद यहाँ आकर के ही रिटर्न और आगे का डेटा इधर जोड़ दिया टू गुजरात एंड मूव। तो इस प्रकार से यदि इस इमेज को हम इधर मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक पैरा एक कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से पूरे पैरे को ये कंप्लीट करता है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपने वार्पिंग सेट किया हो स्क्वायर, ठीक है। तो नाम से स्क्वायर के आधार पर वो डेटा कंटेंट को जुड़ेगा। हम फिर राइट क्लिक करते हैं, वार्पिंग में जाते हैं, टाइट में जो जगह थोड़ा बहुत भी छोड़ रहा, यहाँ पे कवर जगह छूट रहा था, तो टाइट कर देगा उस डेटा को, यानी आपका पूरे से पूरी जगह को कवर करेगा, ठीक। राइट क्लिक करने पर वार्पिंग के अंतर्गत ही मिलेगा आपको राइट। इसके बाद है बिहाइंड टेक्स्ट। यदि इस इमेज को आप टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं, यानी इसके ऊपर भी हम कंटेंट जोड़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से वाटरमार्क जुड़ा होता है बैकग्राउंड, जैसे न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं कि फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट चलता रहता है, स्टोरी चलता है बैकग्राउंड में, तो ये बैकग्राउंड में पहुंच गया वही है ना, इसमें फ़ोटो भी और टेक्स्ट दोनों आएगा। और यदि आप टॉप में चाहते हैं तो इसी का उल्टा हो सकता है, इन फ्रंट है ना, तो टेक्स्ट पीछे अब छिप गया टेक्स्ट। तो ये ज़रूरी है हमें कि हम किस प्रकार से डेटा कंटेंट एडजस्ट कर रहे हैं। यदि यहाँ पर इस प्रकार का छिप रहा है तब समस्या आई। तो आपको ध्यान रखना है कि वार्पिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टॉप बॉटम भी मिलेगा, आप बीच में नहीं चाहते हैं तो टॉप बॉटम कर दीजिए, टॉप में डेटा है ये बॉटम में राइट साइड की जगह को पूरे को छोड़ देगा, ठीक। थ्रॉट में आप पर्टिकुलरली जगह उससे ले सकते हैं कि आपको उतने डेटा उतनी जगह में नहीं लिखवाना है उसको, या कवर नहीं करना है तो थ्रॉट से आप खींच सकते हो। थ्रॉट पॉइंट भी आ जाता है यहाँ पर, थ्रॉट पॉइंट के लिए हम फिर से जाते हैं, सॉरी थ्रॉट में नहीं, थ्रॉट में तो सीधे कवर करेगा, ये एडिट वार्पिंग पॉइंट है, तो वार्पिंग पॉइंट से ये पॉइंट मिल जाएंगे और आप जितनी जगह उससे लेना चाहें उतना ले सकते हैं, उतनी जगह को वो छोड़ देगा। इस प्रकार रोचक बनाने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार की भी, कि आप पर्टिकुलरली फ़ोटो के लिए कोई जगह लेना चाहते हैं टेक्स्ट से, तो टेक्स्ट उतनी जगह छोड़ करके
आगे बढ़ेगा, यानी ये जगह जो है आपने फोटो के लिए निर्धारित कर दिया, तो वर्किंग पॉइंट के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। शॉर्ट में तो प्रॉपर लेगा वो, साइज़ से आप साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो साइज़ हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यहाँ पे हाइट है, इमेज का विड्थ है ना। रोटेट करना चाहते हैं उसको तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं, लेकिन रोटेशन का एक ऑप्शन शॉर्टकट भी यहाँ पे मिलता है जब आप पिक्चर को काम करिए, रोटेशन है तो माउस से रोटेशन रोटेट कर सकते हैं, और साइज भी माउस से हम मैनेज कर सकते हैं, ये कोने को पकड़ेंगे और इस प्रकार से साइज जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से हनुमंदिर का फ़ोटो हटा देते हैं, वैसे हालांकि उनकी बायोग्राफी हमने उस ये पे लिया है, कंट्रोल सेट कर रहा हूँ ताकि व्यवस्थित उनका फोटो हो जाए, ठीक है। यहाँ से भी आप ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक में पीछे में आपको सेंड करना है तो वो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग भी कर सकते हैं एक से अधिक का, और रोटेशन भी कर सकते हैं। एक से अधिक इमेज है, यदि दो इमेज होगा और दोनों को आपस में ग्रुप करना है, जोड़ना है, तो आप सेलेक्ट करें दोनों इमेज को, जैसे सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ क्लिक करना है इसको, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद इसको ग्रुप कर सकते हैं। हम फ्रेश फाइल ले लेते हैं, उसमें न्यू फाइल में देख लेते हैं इस ऑप्शन को, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आप पिक्चर से रिलेटेड पूरी सेटिंग सेट कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।